भाई पूर्व मंत्री प्रकाश रंजीत सिन्हा जी भी हैं और विधायक अरुण सिन्हा, विधायिका रश्मि वर्मा और पूर्व विधान पार्षद रणवीर नंदन जी भी हमारे साथ हैं। वो किसी कारण से भी यहाँ नहीं है, किसी के घर में कोई गंभीर बीमारी हो गई है, कोई दौरे पे है, लेकिन सबसे बात करके हम भी ये कह रहे हैं। बिहार निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उनकी 150वीं वर्षगांठ 10 नवंबर से शुरू हो गई है और कोई भी ऐसे बड़े राष्ट्रीय नेता का, राष्ट्र निर्माता का शताब्दी समारोह या 150वीं वर्षगांठ बड़े योजनाबद्ध ढंग से और पूरी धूमधाम से राज्य सरकार और भारत सरकार मनाती है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय में इसके लिए एक अलग सेल है, यहाँ पर भी होगा ही। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ जबकि 10 नवंबर को एक छोटा सा सरकार का संदेश भी कहीं नहीं प्रकाशित हुआ, शायद बिहार निर्माता की 150वीं वर्षगांठ है, तो इससे बहुत मन आहत हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ऐसे मेधावी पुरुष थे जिन्होंने मात्र 20 वर्ष की आयु में लंदन जाकर बैरिस्टर की परीक्षा पास की। वो ग्रेजुएट होके नहीं गए थे, उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया था आरा से और इंटरमीडिएट किया था कलकत्ता से, लेकिन उसी समय उनको लगा कि मैं बैरिस्टर हो सकता हूं, तो पानी के जहाज से वो चले गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार ही बैरिस्टर की परीक्षा पास करके 20 वर्ष में, 1871 का जन्म था, 1891 में वो बैरिस्टर बन गए और पानी के जहाज से लौट रहे थे कलकत्ता। तो हंसी मजाक होता ही रहता है, तो जहाज में कोई काम तो है नहीं, खाना है, सोना है, गप करना है, तो किसी महाशय ने उनको कहा कि बिहार का है दिखाओ, तो उन्होंने आरा अपना शहर जो था उस समय एक ही जिला होता था शाहबाद का, आरा उसका हेडक्वार्टर होता था, उन्होंने दिखाया कि देखो ये है हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, इसी के पास में मेरा गांव, इसमें बिहार का है, बिहार का दिखाओ नक्शा। तो सहिता सिन्हा ने कहा कि तुम अपना पता दे दो, हम बिहार को जब नक्शे पे ला देंगे तो हम वो नक्शा तुमको भेज देंगे उस पते पे। इस कॉन्फिडेंस के साथ वो उतरे वापस, कलकत्ता हाईकोर्ट में प्रैक्टिस शुरू किया, पटना हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये तीन हाईकोर्ट में वो घूमते रहते थे। भरपूर पैसा कमाया, लेकिन उस पैसे का उपयोग उन्होंने सामाजिक कार्यों में किया, बिहार आंदोलन के लिए किया और 20 वर्ष संघर्ष करने के बाद 1911 में बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, उसके चेयरमैन वो बने।
और 1912 में 22 मार्च को डिमार्केशन हो गया और बिहार अलग हो गया, बिहार की असेंबली अलग हो गई, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी अलग हो गई, बाद में उसमें 2-3 साल में इलेक्शन भी हो गया। ऐसे व्यक्ति जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी डिवाइड हुआ, बिहार में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो पटना यूनिवर्सिटी जब बना तो 1936 से 1945 तक 9 वर्षों तक पटना विश्वविद्यालय को उन्होंने संभाला और पटना विश्वविद्यालय को इस देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मिलाई। ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने पहले बिहार, उसके बाद सर्चलाइट, ये सारे अखबार शुरू की। अभी भी हिंदुस्तान टाइम्स की जो बिल्डिंग है वो उनका बनवाया हुआ है यहाँ पटना में। वो सर्चलाइट पहले उन्होंने स्थापित की, फिर मुरली बाबू को दे दिया, फिर मुरली बाबू ने बिरला का को थोड़ा इन्वेस्टमेंट लिया, फिर वो बिरला जी की हो गई, वो सब कहानी अलग है। असेंबली और काउंसिल को बनाने के लिए जगह नहीं थी, पटना में एयरपोर्ट बनाने की जगह नहीं थी, इस सब के लिए सहिता बाबू ने जो उनके फार्म थे, कृषि फार्म, एग्रीकल्चर फार्म, वो सारे दे दिए, जिस पर कि आज असेंबली है, काउंसिल है, पटना एयरपोर्ट है, अभी इकोलॉजिकल पार्क जो बना है वो भी उसी पे, गोल्फ कोर्स भी उन्हीं की जमीन। आज उनका व्यक्तिगत जो आवास है था वो उन्होंने दान कर दिया, जिसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का भव्य बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उनका आवास था, और सिन्हा लाइब्रेरी उनका चैम्बर था जहां वो वकालत की कंसल्टेंसी करते थे। और वो इतने कुशाग्र बुद्धि के वकील थे कि कलकत्ता, पटना और इलाहाबाद के टॉप मोस्ट केसेस उनके पास आते थे, और वो अपने रिजर्व्ड एक बॉगी होती थी, पहले चलती थी, अब फिर होने वाला है सुना है, इसमें पूरी बॉगी एक व्यक्ति के लिए चलती है, उसमें बेडरूम भी होता है और ड्राइंग रूम भी होता है, ऑफिस भी होता है, तो वो उन्होंने रखा हुआ था। एक सप्ताह वो कलकत्ता रहते थे, एक सप्ताह पटना रहते थे, एक सप्ताह इलाहाबाद रहते थे, एक सप्ताह दिल्ली या बम्बई हाईकोर्ट जाते थे, या लंदन जाके वो बहस कर, प्रिवी काउंसिल के भी मेंबर थे वो। अब आप समझ लीजिए कितना उच्च पदवी था। पटना के इसी सिन्हा लाइब्रेरी वाले चैम्बर में महात्मा गांधी भी आए हैं उनसे कंसल्टिंग करने के लिए। तो खैर, ये मेरा कहना ये है कि ऐसे महापुरुष को जिनके साथ बिहार की आस्था और अस्मिता जुड़ी हुई है, मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा भारत सरकार से और बिहार सरकार से, इनको तत्काल मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए और पटना यूनिवर्सिटी का नाम या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का नाम, किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम, डॉक्टर सहितानंद सिन्हा विश्वविद्यालय रखा जाए, और विधानमंडल परिसर में, आरा में और इनके पैतृक गांव में आदमगढ़ प्रतिमा या एक स्मारक सरकार बनाए। इन्होंने सारा कुछ सरकार को वापस दे दिया, जो भी कमाया दे दिया। तो सरकार का भी कुछ कर्तव्य होता है कि कुछ ऐसे महापुरुष के लिए करे। तो मेरी यही विनती है कि डॉक्टर सहितानंद सिन्हा का जो ये 150वीं वर्षगांठ का जो एक वर्ष तक कार्यक्रम चलेगा, हमारी जो समिति मैंने बनाई है, इन लोगों का नाम लिया है, ऐसे और लोगों को जोड़ेंगे, हर एक जिले में हम कार्यक्रम करेंगे,
इनके गांव पर भी जाएंगे, बड़ा कार्यक्रम करेंगे, आप लोगों को ले चलेंगे, हम दिखाएंगे कि क्या एक व्यक्ति अपने एक जिंदगी में कर सकता है। इन्होंने जो करके दिखाया है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।